नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पूरे आज तक परिवार की तरफ से आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हैं। अपने अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्याभिषेक किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण इस समय कर रहे हैं। इसके अलावा श्री रामलला विराजमान की पूजा अर्चना उन्होंने की और साथ ही प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी किया। पूजा पाठ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य दीपोत्सव समारोह की इस समय शुरुआत करने वाले हैं और ये उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। सरयू नदी के घाट पर आरती होगी, 3D होलोग्राफिक प्रेजेंटेशन होगा, मैपिंग शो देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में विशेष रूप से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व कीर्तिमान, ये जो 17 लाख दीपक जलाने का हो रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं और बस उसकी शुरुआत करने वाले हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दीपोत्सव की तैयारियां और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 17 लाख दीपक जलाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर हैं। प्रतीकात्मक राज्याभिषेक करने के बाद अब बस वो वर्ल्ड रिकॉर्ड दीपकों वाला बनना है। प्रधानमंत्री ने श्री रामलला विराजमान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इस समय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आइए सीधे अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता के पास आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जो इस पूरे भव्य कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। अभिषेक, बताइए क्या कुछ हुआ अभी तक सबसे पहले और उसके बाद आगे क्या होना है? देखिए बिल्कुल सही था, जिस तरीके से आज का ये कार्यक्रम होना था तय समय से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री लगभग 4 बजे उतरे हैं, उसके बाद सीधे रामलला के दर्शन किए, लेकिन इस वक्त वो पहुंच गए हैं राम कथा पार्क में। इस पार्क में उनकी मौजूदगी है, यहाँ पर अभी कुछ से ही देर पहले वो पहुंचे हैं और यहाँ पर वो राम का राज्याभिषेक करेंगे। ये राज्याभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या में माना जाता है कि जब राम आए थे त्रेता युग में तो उनका अभिषेक हुआ था और उसके बाद में ही पूरी अयोध्या जो थी वो दीपों से जगमगाती हुई नजर आई थी, जो कि हमें अभी कुछ देर बाद दीपोत्सव के उस भव्य आयोजन के जरिए दिखाई देगी। लेकिन मंच के सामने, ठीक सामने प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और मंच पे अगर आप देखेंगे तो आपको राम, माता जानकी के साथ में लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और उनके साथ में हनुमान के साथ में उनकी मौजूदगी दिखाई देगी। यानी कि पूरा राम दरबार इस वक्त अयोध्या में लगा हुआ है और यहाँ पर राम दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राज्याभिषेक करेंगे, प्रधानमंत्री भी वहाँ मौजूद रहेंगे और एक जो तस्वीर दिखाई देगी वो पूरी तरीके से उस त्रेता युग की याद दिलाएगी। और इस राज्याभिषेक के बाद प्रधानमंत्री को जाना है सरयू, नया सरयू घाट पर जी, और वहाँ पर सरयू की भव्य आरती होनी है जहाँ की वो साक्षी बनेंगे और माना जाता है कि सरयू की आरती के बगैर कोई प्रसंग पूरा नहीं होता अयोध्या का। लेकिन उसके बाद दीपोत्सव का वो विहंगम दृश्य आपको दिखाई देगा जहाँ 17 लाख दियों की तैयारी के साथ में एक नया विश्व कीर्तिमान बनाने की कवायद होगी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री की जो मौजूदगी है वो फिलहाल रामकथा पार्क में है जहां वो पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर में यहां पर भगवान राम का जो राज्याभिषेक हो जाएगा, जो प्रतीकात्मक तौर पर एक राज्याभिषेक किया जाएगा, उसके बाद ये तय कार्यक्रम की तरह आगे बढ़ेगा और आगे आपको सरयू आरती और दीपोत्सव का वो भव्य स्वरूप राम की पैड़ी पर दिखाई देगा। जी अभिषेक, अभी क्या वहां पर चल रहा है, किस तरह से दीपोत्सव जो विश्व कीर्तिमान बनाया जाना है उसकी तैयारियां थी, क्या दीप जलने शुरू हो चुके हैं और राज्याभिषेक के लिए क्या विशेष कार्यक्रम होंगे? देखिए दीपोत्सव की जहाँ तक बात है, अभी उस कार्यक्रम में थोड़ा सा समय लगेगा, लगभग आधा घंटा और लगेगा क्योंकि अभी प्रधानमंत्री चूंकि यहाँ पहुँचे हैं रामकथा पार्क में, यहाँ पहले राज्याभिषेक होगा, भगवान राम का स्वागत होगा, राम का सत्कार होता है। चूंकि एक ये परंपरा रही है दीपोत्सव की, तो इस परंपरा के निर्वहन के बाद ही प्रधानमंत्री सरयू घाट की तरफ जाएंगे जहाँ पर सरयू आरती होगी। अब सरयू आरती के बाद ही राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की शुरुआत होगी
और इस दीपोत्सव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दियों को जलाएंगे। ये जो 5 दिए हैं वो प्रतीक है वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्वों के प्रतीक के तौर पर ये 5 दिए जलाएंगे प्रधानमंत्री, और उन 5 दियों के बाद ही जो 17 लाख दियों की तैयारी इस बार दीपोत्सव में की गई है वो जलते हुए नजर आएंगे। यानी कि अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, लगभग आधा घंटा से 40 मिनट, इसके बाद ही ये शुरू होगा। लेकिन मंच पर जो है प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं जय घोष हो रहा है राम का, और उस जय घोष के साथ में ही राज्याभिषेक होगा। यानी कि एक जो बड़े स्वरूप के साथ में, क्योंकि अयोध्या में हर कोई इस वक्त जो मौजूद है वो त्रेता युग को देख रहा है, त्रेता युग के तौर पर आज देख रहा है आज के दिन को, तो वही कुछ सजीव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने चूंकि इसे और महत्वपूर्ण बनाया है, इसका जब वो यहाँ पहुँचे थे तो सीधे रामलला के मंदिर पहुँचे, वहाँ उन्होंने राम मंदिर के निर्माण की प्रगति का जायज़ा लिया, खुद इंजीनियरों से बात की है, मुख्यमंत्री से वहाँ संवाद किया। लगभग 15 से 20 मिनट का समय वहाँ पर उन्होंने पूरा बिताया है और उसके बाद रामकथा पार्क में पहुँचे हैं। यानी कि अब रामकथा पार्क में राज्याभिषेक के बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, सरयू आरती होनी है और उसके बाद लगभग हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 6:30 बजे के करीब अब वो समय आएगा जब दीपोत्सव के 17 लाख दिए जलाए जाएंगे और नया कीर्तिमान अयोध्या में बनाया जाएगा। जी अभिषेक, राज्याभिषेक में किस तरह का कार्यक्रम होगा, क्या क्या होगा? और हम चाहते हैं कि अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लेजर लाइट शो में पहुंच चुके हैं, आप बताइए उसमें क्या होगा? और इस समय आपको सीधे सुनवाते हैं, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी लेकिन इस पत्थरों द्वारा निर्मित किया जाएगा, तो संस्करण में आज पूरी अयोध्यापुरी इसी उत्साह के साथ उत्साहित दिखाई दे रही है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धाम पर आगमन का समाचार यहां के वासियों ने सुना, प्रदेशवासियों ने सुना है, और यह हम सब का सौभाग्य है कि कभी त्रेता युग में दीपावली का आयोजन अयोध्या वासियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत जिस उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया था, और पूरे देश का एक महान पर्व दीपावली के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या आगमन पर, प्रभु श्री राम के अभी यहां पर अभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के आयोजन के साथ, मैं अयोध्यापुरी की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस आयोजन में यहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष मणिराम दास सावनी के श्री महंत पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य संतजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवाह और अन्य हमारे विचार परिवार के पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय राज्यपाल जी के नेतृत्व में मेरे साथ दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री जय वीर सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी समेत मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों का, पूज्य संतों का आज के इस आयोजन में
हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या कुछ लोगों ने अपनी कुत्सित राजनीति के लिए वीरान बना दी थी, लेकिन जिस अयोध्या के मारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं इस बात को कहा हो कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी, आखिर वह अयोध्या कैसे वीरान हो सकती थी। आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, पूरी अयोध्यावासी उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए और लगातार यह प्रदेश का एक उत्सव, देश का एक उत्सव बनता गया। आज ये अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को छू रहा है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने वाले, उन आदर्शों के अनुरूप देश के अंदर राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार करने वाले, जिन्होंने पिछले 8-8.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर, जो हम राम राज्य की बात जब करते हैं तो संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी व्याख्या उसकी कही की है कि दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, यानी चाहे वह आदि दैविक हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार के दुख के लिए जहां कोई जगह नहीं, वह राम राज्य की उस परिकल्पना को जो एक धार्मिक राज्य न होकर के 135 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने वाला भारत की वर्तमान व्यवस्था। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्षों के दौरान इस देश ने और दुनिया ने देखा है, हमने विगत 2.5 वर्ष के दौरान पूरी दुनिया ने कोरोना को देखा है, कोरोना जैसी महामारी का सामना किया है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए भारत की 135 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह देखभाल करने वाले, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार और 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 2.5 वर्ष से पूरे देशवासियों को कर रहे हैं, बिना भेदभाव के कर रहे हैं, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर में शौचालय का बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देकर के प्रधानमंत्री आवास की योजना को उपलब्ध करा देना, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर तक विद्युत की लाइन पहुंचा करके उन्हें प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर हर गरीब को आयुष्मान बनने के लिए फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो। आपने देखा होगा कल ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार के तहत 1 वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और इससे पहले 10 लाख नौजवानों को अग्निवीर के रूप में देश की सेनाओं में सम्मानजनक स्थान पर भर्ती होने की प्रक्रिया को जोड़ने की कार्रवाई रही हो। ये सभी राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करता है। विकास की प्रक्रियाएं जिस रूप में बढ़ी हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब ने देश के अंदर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी
गांव और गली को भी, स्मार्ट सिटी के मिशन को भी और आदर्श गांवों की परिकल्पना को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। और यही नहीं, गुलामी के अंश से मुक्ति हो लेकिन विरासत का सम्मान हो, विरासत का ही सम्मान है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का एक कार्यक्रम। विरासत का ही सम्मान है काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम बन जाना और जो आज एक नए नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी आपने परसों देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं केदारपुरी गए थे, बद्रीनाथ धाम गए थे, उत्तराखंड के चार धामों के पुनरुद्धार की कार्रवाई किस रूप में हो रही है, यह गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराता है। और महाकाल का वह काल लोक भी हर व्यक्ति को अपनी ओर अभिभूत कर देता है, यही तो है विरासत का सम्मान। योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान देना हो या फिर प्रयागराज कुंभ के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, अयोध्या का यह दीपोत्सव का एक कार्यक्रम उसी विरासत को सम्मान देने की कड़ी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए गए प्रयास का परिणाम है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विंध्यवासिनी धाम के पुनरुद्धार की कार्रवाई, वहां के कॉरिडोर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, रामायण सर्किट का कार्य हो या कृष्णा सर्किट का कार्य, मथुरा वृंदावन के विकास को एक नया आयाम देने की कार्रवाई चल रही हो या फिर बौद्ध परिपथ का कार्य हो या फिर देश के शक्तिपीठों के पुनरुद्धार का कार्य, ये युद्ध स्तर पर देश के अंदर चल करके एक ओर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजनाओं का लाभ देना, और उसी का परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश के अंदर किसी भी कोने में जाते हैं, पूरब में हो या पश्चिम में, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरा भारत एक साथ एक स्वर से उनके नेतृत्व में बोलता हुआ दिखाई देता है, डोलता हुआ दिखाई देता है, चलता हुआ दिखाई देता है। और यही नए भारत के, श्रेष्ठ भारत के, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज अयोध्या धाम में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में हुआ है। यहां पर प्रभु श्री राम के अभिषेक के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जुड़ना पूरे भारतवासियों को अभिभूत कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिस संकल्प की आवश्यकता थी वह संकल्प आज साकार हुआ है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सबको, समाज के सबको जोड़ने की एक, यानी सबका साथ और सबके विकास की इन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु राम के आदर्शों के अनुरूप भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन स्वयं इस कार्यक्रम में यहां पर हुआ है। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कृपया मंच पर आकर के अपने कर कमलों से भगवान श्री राम का अभिषेक करने की कृपा करें और इस कार्यक्रम के साथ फिर हम लोग फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम के जुड़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अयोध्या में है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी उनका संबोधन चल रहा था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं और ये राज्याभिषेक चल रहा है। सीधी तस्वीरें अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। श्री राम, श्री राम, श्री रामचंद्र कृप।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। उप मुख्यमंत्री द्वय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राम दरबार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अयोध्या वासियों की ओर से भेंट कर रहे हैं। यह स्मृति चिन्ह आज दीपोत्सव के अवसर करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें अयोध्या। ये राम दरबार भेंट हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय, अयोध्या वासियों, अब करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ एवं राममय उद्बोधन का। इन शब्दों के साथ, सुबह का नहीं है जो वो शाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। जय सियाराम। जय जय सियाराम। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी पूज्य संतगण, उपस्थित अन्य सभी प्रबुद्धजन, श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। जब श्री राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श और मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं। राम के अभिषेक के साथ ही उनका दिखाया पथ और प्रदीप्त हो उठता है। अयोध्या जी तो रज रज में, कण कण में उनका दर्शन समाहित है। आज अयोध्या की रामलीलाओं के माध्यम से, सरयू आरती के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से और रामायण पर शोध और अनुसंधान के माध्यम से ये दर्शन पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। मुझे खुशी है कि अयोध्या के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोग इस प्रवाह का हिस्सा बन रहे हैं। देश में जन कल्याण की धारा को गति दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपको, देशवासियों को और विश्वभर में फैले हुए राम भक्तों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि से सभी देशवासियों को आज छोटी दीपावली के पर्व पर
कल के दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार दीपावली एक ऐसे समय में आई है जब हमने कुछ समय पहले ही आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास सबका प्रयास का आधार भी है। अगले 25 वर्षों में विकसित भारत की आकांक्षा लिए आगे बढ़ रहे हम हिंदुस्तानियों के लिए श्री राम के आदर्श उस प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो हमें कठिन से कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का हौसला देंगे। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने सभी देशवासियों से पंच प्राणों को आत्मसात करने का आह्वान किया है। इन पंच प्राणों की ऊर्जा जिस एक तत्व से जुड़ी हुई है वो है भारत के नागरिकों का कर्तव्य। आज अयोध्या नगरी में दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर हमें अपने इस संकल्प को दोहराना है, श्री राम से जितना सीख सके सीखना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, मर्यादा मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी सिखाती है। और मर्यादा जिस बोध की आग्रही होती है वो बोध कर्तव्य ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म है, अर्थात राम साक्षात धर्म के यानी कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भगवान राम जब जिस भूमिका में रहे उन्होंने कर्तव्यों पर सबसे ज्यादा बल दिया। वो जब राजकुमार थे तो ऋषियों की, उनके आश्रमों और गुरुकुलों की सुरक्षा का कर्तव्य निभाया। राज्याभिषेक के समय श्री राम ने एक आज्ञाकारी बेटे का कर्तव्य निभाया। उन्होंने पिता और परिवार के वचनों को प्राथमिकता देते हुए राज्य के त्याग को, वन जाने को अपना कर्तव्य समझ करके स्वीकार किया। वो वन में होते हैं तो वनवासियों को गले लगाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो मां सबरी का आशीर्वाद लेते हैं, वो सबको साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वन के वही सब साथी राम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते, इसलिए राम भारत की उस भावना के प्रतीक है जो मानती है कि हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों से स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए
हमें कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। और संयोग देखिए, हमारे संविधान की जिस मूल प्रति पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी का चित्र अंकित है, संविधान का वो पृष्ठ भी मौलिक अधिकारों की बात करता है। यानी एक और हमारे संविधान अधिकारों की गारंटी, तो साथ ही प्रभु राम के रूप में कर्तव्यों का शाश्वत सांस्कृतिक बोध। इसलिए हम जितना कर्तव्यों के संकल्प को मजबूत करेंगे, राम जैसे राज्य की संकल्पना उतनी ही साकार होती जाएगी। साथियों, आजादी के अमृतकाल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आवाहन किया है। ये प्रेरणा भी हमें प्रभु राम से मिलती है। उन्होंने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी वो स्वर्णमय लंका के सामने भी हीन भावना में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। इसी आत्मविश्वास के साथ जब वो अयोध्या में लौट कर आते हैं, तब अयोध्या के बारे में कहा जाता है, नवग्रह निखर अनिक बनाई, जनु धे अमरावती आई। यानी अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की गई है। इसलिए भाइयों और बहनों, जब राष्ट्र निर्माण का संकल्प होता है, नागरिकों में देश के लिए सेवा भाव होता है, तो भी और तभी राष्ट्र विकास की असीम ऊंचाइयों को छूता है। एक समय था जब राम के बारे में हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली, वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास के एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक गणगौर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। एक समग्र प्रयास कैसे समग्र विकास का जरिया बन जाता है, आज देश इसका साक्षी है। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा। यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है। यानी अयोध्या से जो विकास अभियान शुरू हुआ, उसका विस्तार आसपास के पूरे क्षेत्र में होगा। साथियों, इस सांस्कृतिक विकास के कई सामाजिक
और अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी है। श्रृंग वेलपुर धाम में निषाद राज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहां भगवान राम और निषाद राज की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई जा रही है। ये प्रतिमा रामायण के उस सर्वसमावेशी संदेश को भी जन जन तक पहुंचाएगी जो हमें समानता और समरसता के लिए संकल्पबद्ध करता है। इसी तरह अयोध्या में क्वीन हो मेमोरियल पार्क का निर्माण किया गया है। ये पार्क भारत और दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए, दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का एक माध्यम बनेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, इस विकास से, पर्यटन की इतनी संभावनाओं से युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे। सरकार ने जो रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है वो स्पिरिचुअल टूरिज्म की दिशा में एक बेहतरीन शुरुआत है। आज देश में चार धाम प्रोजेक्ट हो, बुद्ध सर्किट हो, या प्रसाद योजना के तहत चल रहे विकास कार्य हो, हमारे ये सांस्कृतिक उत्कर्ष नए भारत के समग्र उत्थान का श्री गणेश है। साथियों, आज अयोध्या नगरी से मेरा पूरे देश के लोगों के लिए एक प्रार्थना भी है, एक नम्र निवेदन भी है। अयोध्या भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। राम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन आराध्य वो पूरे देश के हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी तप तपस्या, उनका दिखाया मार्ग हर देशवासी के लिए है। भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। उनके आदर्शों को हमें निरंतर जीना है, जीवन में उतारना है, और इस आदर्श पथ पर चलते हुए अयोध्या वासियों पर दोहरा दायित्व है। आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे अयोध्या के भाइयों बहनों। वो दिन दूर नहीं जब विश्वभर से यहां आने वालों की संख्या अनेक गुना बढ़ जाएगी, जहां कण कण में राम व्याप्त हो, वहां का जन जन कैसा हो, वहां के लोगों का मन कैसा हो, ये भी उतना ही अहम है। जैसे राम जी ने सबको अपनापन दिया, वैसे ही अयोध्या वासियों को यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत अपनत्व से करना है। अयोध्या की पहचान कर्तव्य नगरी के तौर पर भी बननी चाहिए। अयोध्या सबसे स्वच्छ नगरी हो, यहां के रास्ते चौड़े हो, सुंदरता अप्रतिम हो, इसके लिए योगी जी और उनकी सरकार दीर्घ दृष्टि के साथ अनेक प्रकल्पों को आगे बढ़ा रही है, प्रयास कर रही है। लेकिन इस प्रयास में अयोध्या के लोगों का साथ और बढ़ जाएगा तो अयोध्या जी की दिव्यता भी और निखर जाएगी। मैं चाहूंगा कि जब भी नागरिक मर्यादा की बात हो, नागरिक अनुशासन की बात हो, अयोध्या के लोगों का नाम सबसे आगे आए। मैं अयोध्या की पुण्य भूमि पर प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूं कि देश के जन जन की कर्तव्य शक्ति से भारत का सामर्थ्य शिखर तक पहुंचे, नए भारत का हमारा स्वप्न मानवता के कल्याण का माध्यम बने। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद जी।
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपोत्सव के अवसर पर आप यहां पर पधारे और इसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय राम की पैड़ी की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें, यहां कार्यक्रम अनवरत जारी रहेंगे। कृपया अपना स्थान आप सब न छोड़ें और राम की पैड़ी पर जो विशेष आयोजन है वो आपको यहीं लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। अजय मिश्र हमारे संवाददाता। और अब प्रधानमंत्री राम की पैड़ी पर 17 लाख दीपक जलाने का जो लक्ष्य है, जो विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है कुछ ही देर में, ये देखिए राम की पैड़ी की तरफ प्रस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वहां पर वो 5 दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीप जलाने के बाद अन्य घाटों पर दीपक जलाने का कार्य शुरू होगा और फिर 17 लाख दीपक जलाने का वो विश्व कीर्तिमान बन जाएगा। और ये उसी की तैयारियां हैं, ये दीपक जलाए जा रहे हैं विभिन्न घाटों पर। आइए सीधे अभिषेक हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। बताइए अभिषेक, किस तरह से विश्व कीर्तिमान बन रहा है, दीपक जलाए जा रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन इस वक्त यहाँ पर हुआ है जहाँ पर उन्होंने दीपोत्सव को सीधे तरीके से लोगों से जोड़ने का एक पर्व बताते हुए अयोध्या की पहचान बताया। और अब वो इस वक्त इस राम कथा पार्क से आगे निकल गए हैं। अब उनका जो अगला पड़ाव होगा, जो अगली तस्वीर आपको दिखाई देगी, वो सरयू नया घाट की दिखाई देगी। सरयू नया घाट पर वो पहुँच रहे हैं, वहाँ पर वो सरयू आरती में हिस्सा लेंगे। लगभग 10 मिनट की आरती होगी और उसके बाद वो पहुंचेंगे राम की पैड़ी पर, जहां पर 17 लाख दियों की तैयारी है। उन दियों को जला करके आज दीपोत्सव के नए कीर्तिमान को स्थापित करने की, यानी कि आगाज हो चुका है दीपोत्सव का। रामलला के दर्शन के साथ में प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद वो यहाँ रामकथा पार्क में पहुंचे जहां उन्होंने राज्याभिषेक किया, उद्बोधन दिया है। लगभग 20 मिनट उन्होंने यहां पर उद्बोधन दिया और उसके बाद अब वो पहुंच रहे हैं सरयू घाट पे। और लगातार जो है ये कार्यक्रम अपने समय के हिसाब से, अपने रूपरेखा के हिसाब से चल रहा है। लोगों को बेसब्री से इंतजार इस बात का है कि कब अयोध्या, वो जगमगाती हुई अयोध्या दिखाई देगी। और अब ज़्यादा इंतजार नहीं है, लगभग 15 से 20 मिनट और लगेंगे, तब तमाम उन दियों को जलाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री पहले 5 दिए जलाएंगे और उसके बाद 17 लाख दिए, जिनकी तैयारी लगातार यहाँ प्रशासन कर रहा था। आज घरों घरों में दिए लगाए गए हैं, तो वो दिए आपको अब से कुछ ही देर में दिखाई देंगे। और प्रधानमंत्री इस वक्त सरयू घाट की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर आरती में वो शामिल होंगे और उसके बाद वो राम की पैड़ी पर वो 5 दिए जला करके दीपोत्सव की एक आधिकारिक तौर पर उसकी शुरुआत कर देंगे। जी अभिषेक, इस समय सरयू के घाट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, वहाँ जैसे ही उनका आगमन होता है पीएम मोदी का, ये शुरुआत होगी। लेकिन किस तरह से दीपक जलाए जा रहे हैं, जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ की तस्वीरें देखकर बताइए, और कहाँ कहाँ विभिन्न घाटों के अलावा कहाँ कहाँ दीपक जल रहे हैं और किस तरह से ये 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे? देखिए बिल्कुल, मेरी मौजूदगी जो है वो चूंकि रामकथा पार्क में है और यहाँ पर जितने भी लोग आए थे उन्हें यहीं पे फिलहाल रोका गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल और उसके तहत इस वक्त जो सड़क मार्ग है उसको रोक दिया गया है। अब लगभग अब 300 से 400 मीटर की ही दूरी होती है अगर देखा जाए राम की पैड़ी की, और वहीं पर सरयू घाट है, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में लगभग 5 मिनट के अंदर वो पहुँच जाएंगे और उसके बाद में जो दीपोत्सव का नज़ारा है वो दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए थे बड़ी संख्या में वो फिलहाल यहीं पर रुके हैं, प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज दीपोत्सव में पहुँचकर न सिर्फ प्रधानमंत्री ने एक भक्त के तौर पर रामलला के पहले दर्शन किए, लेकिन यह राज्याभिषेक किया। और राम चूंकि राजा हैं अयोध्या के, तो उनके राज्याभिषेक के बगैर दीपोत्सव अधूरा होता है और एक परंपरा चली आ रही है युगों से, आप तो उस परंपरा का निर्वहन किया है एक सेवक के तौर पर। और प्रधानमंत्री ने मंच से जो उद्बोधन दिया उसमें तमाम तरह की बातें कही, दीपोत्सव को किस तरीके से आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व देखता है।
और एक पहचान के तौर पर दीपोत्सव बना है। अयोध्या के मंदिर की जो तेजी है उसका भी उन्होंने उसका जिक्र किया है, और दीपोत्सव ने किस तरीके से अयोध्या को विश्व पटल पर पहुंचाया है इसका भी उन्होंने वर्णन किया। इन तमाम बातों को रखा है और लोगों में उत्साह है। हम देख रहे हैं हर तरफ जहाँ हमको दिखाई दे रहा है वहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। आप वॉलेंटियर्स की एक आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि 22,000 वॉलेंटियर्स जो थे अवध विश्वविद्यालय के, वो आज इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से अपना सहयोग कर रहे हैं और इस दीपोत्सव को भव्य बनाने में एक बड़ी भूमिका इन वॉलेंटियर्स की होगी। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा नज़ारा वो होगा, कुछ समय और होगा क्योंकि अभी सरयू आरती में प्रधानमंत्री हैं और उसके बाद में वो सीधे पहुंचेंगे दीपोत्सव के लिए। तो पूरी तैयारी है सहित और थोड़ी देर का इंतज़ार है, उसके बाद दीपों की वो जो झड़ी है, वो दीपों का जो कीर्तिमान है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होगा अयोध्या के नाम से, उसकी भी शुरुआत अब से कुछ देर में हो जाएगी। जी आज अभिषेक कैसे आस्था श्रद्धा भक्ति के रंग में रंगी रही अयोध्या नगरी। बिल्कुल, अयोध्या नगरी आज राममय नजर आती है, हर तरफ राम का ही आप जय घोष नजर आता है, राम की आकृतियां नजर आती हैं, पूरी रोशनी से सराबोर है आज अयोध्या। जगह जगह चौराहों पर आप राम की झांकियां को आपका वर्णन करते हुए लाइटिंग नजर आती है। सुबह जो झांकियां निकली थी साकेत महाविद्यालय से यहाँ रामकथा पार्क तक, उन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया। आज पूरा दिन छोटी दीपावली जिसे कहा जाता है, नरक चतुर्दशी कहा जाता है तिथि के तौर पर, वो आज पूरी की पूरी अयोध्या में राम के त्रेता युग की याद दिला रही थी। आज सुबह से लेकर के पूरे दिन ये कार्यक्रम चलते रहे और अब तो अपने अंतिम पड़ाव की तरफ ये कार्यक्रम चूंकि बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री अब सरयू घाट की तरफ पहुँच रहे हैं और वहाँ पर सरयू आरती के बाद में सीधा नज़ारा दीपोत्सव का होगा। तो अयोध्या की नगरी तो आज पूरी तरीके से राममय है, घरों में आज उत्सव का माहौल है। मुझे लगता है जो मुख्य दीपावली है उससे ज़्यादा विशेष महत्व आज के दिन का, छोटी दीपावली का, अयोध्या में होता है, क्योंकि आज ही के दिन राम आए थे और जिस तरीके से अयोध्या में हर तरफ आज रोशनी और हर तरफ दियों की एक झड़ी सी दिखाई देती है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा यह कहना कि अयोध्या आज राममय है। पूरा एक इतिहास है, युगों युगों से परंपरा चली आ रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 6 सालों में ये जो दीपोत्सव है, जो छठा आज उसका ये संकलन है, ये बहुत ही वृद्ध रूप ले चुका है और पूरी दुनिया की नजरें आज सिर्फ और सिर्फ अयोध्या पर नजर आती है। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बस सबसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विश्व कीर्तिमान बनने जा रहे दीपोत्सव का हिस्सा बनेंगे, 5 दीपक जलाएंगे। देखते रहिए आज तक।